की घटना या दुर्घटना घटती है तो सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर और एसओ को आग बुझाने का बिल्कुल तरीका पता होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर को बराबर तरीके से पकड़ो, उसका सील तोड़ो, पिन निकालो, नीजल को बराबर पकड़ो, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आग आप बुझा सकते हैं। आग ऐसी चीज़ होती है, चंद सेकंड में करोड़ों की संपत्ति, अरबों खरबों की संपत्ति को नष्ट कर देती है, हो सके तो किसी की जान को भी एक सेकंड के लिए बंद कर देती है। सही क्या गलत? अगर कमरे में आग लगी, चारों तरफ से धुआं है, तो धुएं में सांस लेगा वो? कहाँ लेगा, वही मर जाएगा। अगर आग की चपेट में आ गया तो जल जाएगा ना। चलो आज की ट्रेनिंग समाप्त करता हूँ। अगली बार आप जब भी आऊँगा मैं, तो मुझे इसी तरह से आप जो टकाटक है मुझे ऐसे ही मिलना चाहिए। हमारे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र नाइट वाले और डे वाले हमारे विपिन एसओ, इनकी मेहरबानी से आप लोगों का बहुत अच्छा यूनिफॉर्म भी है और सब सही है। और इसी तरह से दोनों ऑफिसरों का कहना मानते हुए वक्त के मुताबिक आप ट्रेनिंग में आओ और ट्रेनिंग का मज़ा लो, सीख लो, आपके काम आएगा। ISB ट्रेनिंग फ्री में देता है, इसका कोई कॉस्ट या पैसा नहीं लगता है। आपको सीखने में आपको उन्नति मिलेगी, आपका सम्मान होगा। अगर आप गांव देहात में अगर कहीं आग लग गई, तो आपको अगर कोई स्कूल में लग गई और आप जा रहे हैं वहां पर, अगर आपने फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया और कई बच्चों की जान बचाई, तो आपका नाम रोशन होगा। सही क्या साहब? हाँ, भाया पैर उठाना है, सावधान होना है। प्रेट सावधान, बहुत बढ़िया। अभी आपका विसर्जन है, दाहिने मुड़ना है, सैल्यूट करना है, बराबर दाहिने मुड़ना है, बिल्कुल ऐसे ऐसे खड़े हो तो ऐसे होना है, ऐसा नहीं होना है, पीछे नहीं जाना है, इधर देखना है। प्रेट ड्यूटी के लिए विसर्जन, दाहिने मुड़ो, सैल्यूट करो, डाउन करो। सबसे पहले नाइट वाले सुपरवाइजर जाएंगे। जाइए सर, आप जाइए, आप जाइए, आप भी। उसके बाद एसओ साहब जाइए। थैंक यू।